अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी का जो आरसी है जैसे पेपर गाड़ी का है और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जैसे दूसरे का मोबाइल नंबर लिंक है, चाहे आप ही का मोबाइल नंबर पहले से जो लिंक है वो नंबर बंद हो गया हो या कहीं गिर गया है नंबर हो, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपना जो मोबाइल नंबर जो कैसे आप लोग आरसी में कैसे चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जो गाड़ी का कागज़ होता है उसके वजह से बहुत काम, जैसे आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो बहुत सारा काम होता है जो नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपका जो आरसी है उसमें मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुशवाहा है और आप लोग देख रहे हैं NKCSC ज्ञान हिंदी। तो हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, तो इससे आपको ये होगा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो इसके लिए लेके चल रहे हैं आपको PC स्क्रीन पे और बताएंगे जो आपका गाड़ी का आरसी है उसमें मोबाइल नंबर कैसे आप लोग घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं PC स्क्रीन पे आ चुका हूँ और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। ऐसे आप लोग ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे राइटिंग कर लीजिएगा परिवहन, उसको सर्च कर दीजिएगा। मैं सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद से सबसे फर्स्ट में उसका लिंक आ जाएगा parivahan.gov.in, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। मैं कर लेता हूँ। इसके बाद से इस वेबसाइट का कुछ इंटरफेस इस तरह से आएगा। यहाँ पर एक देखिए ऑनलाइन सर्विस दिया हुआ है, इस पर देख के इसके बाद से फर्स्ट में ही उसका मिलेगा व्हीकल रिलेटेड सर्विस, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। मैं कर लिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आपको मांग रहा है अपना जो स्टेट होगा, जो अपना स्टेट इसमें चुनने के लिए जो भी आपका स्टेट होगा वो एंटर कर दीजिएगा। मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर देखिए मांग रहा है जैसे सेलेक्ट RTO, जो आपका RTO होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपना RTO सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे देख के। जो आपका RTO होगा सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे प्रोसेड कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रोसेड कर दिया हूँ। अब देखिए दोस्तों, कुछ नया इंटरफेस इस तरह का आएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नीचे आइएगा, देखिए एक दिया हुआ है इधर मोबाइल नंबर अपडेट, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। मैं कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे जैसे उपलब्ध है, मतलब कौन कौन सा स्टेट में, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ऐसे ही दिया हुआ है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, ऐसे पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बिहार भी दिया हुआ है, UP भी है, सब कुछ। और इस पर जैसे यस कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। उसके बाद से आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मांग रहा है यहाँ पे जैसे ये व्हीकल नंबर जो आपका होता है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे चेसिस नंबर डालना पड़ेगा, और यहाँ पे इंजन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट और उसका जो वैलिड डेट होता है लास्ट का, वो जैसे उसका 15 साल का, जैसे जिस दिन आपका जैसे बाइक लेते हैं तो उसका आपके गाड़ी के कागज़ पर लिखा रहता है, इशू होता है उस दिन, और एक्सपायरी डेट जो लास्ट होता है उसका वो इस पर। तो पूरा इसमें आप लोग सही से देख के फिल कर लीजिएगा। मैं पूरा फिल करके फिर आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो डाल दिया हूँ, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है चेसिस नंबर वो भी फिल कर लिया हूँ, और यहाँ पे इंजन नंबर भी फिल कर लिया हूँ, और यहाँ पे इशू डेट मांग रहा है। इस पर आपको कैलेंडर आएगा, आप लोग देख के जो भी होगा उसमें आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना जो पेपर होगा उसमें। मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पूरा चीज़ ऐसे एंटर करने के बाद से आपको यहाँ पे शो डिटेल आ रहा है ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद से यहाँ पे कुछ एक नंबर कोई मिस्टेक हुआ होगा, इसके वजह से मैं दोबारा चेक करके फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या मिस्टेक हुआ है इसमें। अब देखिए दोस्तों, मैंने दोबारा इसको फिल कर लिया हूँ, इसमें एक नंबर मिस्टेक हो गया था। मैं दोबारा सही करके फिर यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा, ये पूरा डिटेल आ जाएगा आपका, जो भी डिटेल होगा
ये पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर जो 4 लास्ट का नंबर दिया हुआ है, जो पहले रजिस्टर्ड था, अभी जो आपको नया नंबर इसमें अपडेट करना है, जो इसमें जोड़ना है, तो वो नंबर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर इसमें नया वाला फिल कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया हूँ और ये जनरेट ओटीपी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसे सेम आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद से देखिए ये आ रहा है कि आपके इस नंबर पे, मोबाइल नंबर पे जैसे एक ओटीपी भेजेगा, तो मैं उसको देख लेता हूँ ओटीपी मेरा आया है कि नहीं आया है। अब देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मेरा ओटीपी आ गया है। अब यहाँ पे मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने ओटीपी डाल लिया हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव डिटेल पे, तो इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। मैं कर लेता हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया राइटिंग करके रॉन्ग ओटीपी। जैसे इसका जो ओटीपी जो इसमें फिल किया हूँ वो सही ओटीपी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना चाहता, आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सही से, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल दिया होता तो इसके बाद से मैं सेव डिटेल करता तो मेरा हो जाता। इसी तरह से दोस्तों, आप लोग अपना जो आरसी है, गाड़ी के कागज़ है, आप मोबाइल नंबर इसमें अपना ऑनलाइन जोड़ सकते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।